इस खबर के एजुकेशन पार्टनर हैं वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल, किला गेट रोड, ग्वालियर। हिंदू धर्म को बचाने, गाय की रक्षा करने एवं मंदिरों पर लगने वाले टिकट को हटवाने के लिए शुरू की साइकिल यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर हिंदू धर्म को बचाने के लिए कर रही है साइकिल यात्रा। लगातार 35 दिन से माधवी लता चला रही है साइकिल। आपको बता दें कि माधवी लता 40 वर्ष की उम्र में हैदराबाद के ग्राम वेमुलावाड़ा से पीएम मोदी से मिलने के लिए निकली। करीब 35 दिनों से साइकिल चलाते हुए ग्वालियर पहुंची, जहां ग्वालियर के लोगों ने उनका अभिवादन किया एवं उनकी इच्छा शक्ति बढ़ाई, जिससे वह प्रधानमंत्री मोदी से मिले। वह दक्षिण काशी के राजा राजेश्वरा के मंदिर से साइकिल चलाकर दिल्ली के लिए निकली। करीब 40 दिनों में वह प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचेंगी, जिसके बाद वह रेल के माध्यम से उत्तरकाशी जाएंगी और दर्शन करेंगी। आपको यह आश्चर्य होगा कि माधवी लता इसलिए साइकिल चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी संसद में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कानून पास करवा सके, गायों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय पशु घोषित हो, हर घर में गाय हो ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए, मंदिरों में लगने वाली पर्ची टिकट को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए कि वह सरकार के पास ना हो, वहाँ के लोकल नागरिकों एवं ट्रस्टों के पास, जिससे मंदिरों में वह पैसा उसके उत्थान में लग सके। इन्हीं तीन मुद्दों को लेकर वह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने हजारों किलोमीटर का सफ़र साइकिल से तय कर जा रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम माधवी लता, मैं हैदराबाद की निवासी हूँ। हैदराबाद के सामने विमलावाड़ा नाम का एक गांव से मेरा साइकिल यात्रा स्टार्ट हो गई। मोदी जी को तीन विषय विनती करने के लिए मैं जा रहा था। एक हिंदू प्रोटेक्शन, हिंदू रक्षा, और दो गोमाता का रक्षा, और तीन मंदिर का रक्षा। हिंदू रक्षा के लिए हिंदू को हिंदू अट्रेसिटी कानून चाहिए, और गोमाता का रक्षा के लिए गोमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। ये दोनों बिल पार्लियामेंट में डालना जरूरी है। और मंदिर का रक्षा, मंदिर के वाली पैसा, मंदिर को कमाने वाले पैसा फंडिंग के लिए आती है ना, वो पैसा मंदिर को के लिए खर्च करना चाहिए। सारे देश में दर्शन की टिकट लेती है मंदिर में, कोकोनट का टिकट, वो टिकट, ये टिकट, सारा टिकट्स के वजह से पूर्व पुल के लिए कितना महंगा होते हैं। उनको ये सब फ्री में देना चाहिए, खाना भी फ्री में देना चाहिए। मंदिर वाले पैसा मंदिर को खर्च करना और पूर्व पीपल के लिए खर्च करना जरूरी है। ये तीनों विषय में मोदी जी के पास लेने को साइकिल यात्रा कर रहा था। मैडम, कितने दिन हो गए आपको ये साइकिलिंग करते हुए? आज से 35 डेज हो गई, और 5 दिन में मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तबीयत तो पहले मैं तो भाग्यशाली है तबीयत के विषय में, इसलिए मैं इतना काम करने को तैयार हो गई। और ये सारे लोग है ना, हमारे हिंदू वाले लोग बहुत मदद करते हैं। बजरंग दल से लेकर पतंजलि तक सारा लोग मुझे बहुत मदद करते हैं। ये उनके मदद से, उनकी आशीर्वाद से मैं, मेरा दर्द सब मेरे याद में नहीं आते, मैं सब भूल जाते हैं। मोदी जी से मिलेंगी तो क्या कहेंगी उनसे, और किस तरीके का आपका वो रहेगा? मैडम, पहली बार आप मुलाकात करोगी प्रधानमंत्री मोदी से? ये है ना, ये बात मोदी के बिना कोई कर नहीं सकता। अगर कुछ करे तो वो करना है। ये तो प्रूव हो गई, निरूपण हो गई, वो कितना अच्छा अच्छा काम किया। उसके बाद में ये होता ही या नहीं को भी मालूम नहीं, इसलिए मोदी के टाइम जमाने में ये सब होना चाहिए। ये तो मेरे सिर पर ले लिया, ये तो मेरा कर्तव्य था। एक हिंदू लड़की होकर ये करने को मुझे ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। मैडम, आप दक्षिण काशी से आप स्टार्ट करा, आपने शुरू किया है आपने साइकिलिंग करना, और उत्तर काशी पे आप खत्म करोगी, ये किस तरीके की आपकी सोच थी? क्या क्या सोच के आपने, और किस समाज को किस तरीके से बदलने के लिए आपने ये प्लान किया है? ये हमारे गांव में विमलावाड़ नाम के गांव में एक शिवालय है, राजा राजेश्वर मंदिर बोलते हैं। वो मंदिर को दक्षिण काशी कहते हैं, इतना महिमान्वित टेम्पल है वो किसी को भी पता नहीं चला। सारा कम लोगों को मालूम है मैं विमलावाड़ा नाम, वो ज़्यादा काशी के समान है वो क्षेत्र। वो क्षेत्र को भी मैं देश में याद दिलाना, देश को परिचय करना,
वो गांव के पैदा होकर वो मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैं दक्षिण काशी नाम का ये टेंपल से मंदिर से मेरा यात्रा स्टार्ट हो गई। मोदी जी के मिलने के बाद मैं फ्लाइट से या ट्रेन से उत्तर काशी वाराणसी है ना, वाराणसी जाकर शिव जी को मैं आशीर्वाद लेकर मैं हैदराबाद जाऊंगा।